सौ उलमे दिने के राती मिलन सहांस सौ का तुम सब पता है सौ किनू कहते हैं 100 सहांस का कई नहीं पता सहांस का अर्थ है यार यार कहते जेड़ा दिने नाम नहीं जपता उन्हू रब कोलों सौ लम्बे मिलते ने जेड़ा अमृत वेले राती अमृत वेले नाम नहीं जपता उन्हू हजार लम्बे मिलते सौ लम्बे दिने के राती मिलन सहांस ससा हा हा ससा सहांस का अर्थ यार कहते जेड़ा दिने नाम नहीं जपता उन्हू सौ हिसाब न लंबे रब दिंदा भेजिया कह दिया तेन जेड़ा अमृत वेले राती नाम नहीं जपता उन्हू हजार लंबे निरंकार वालों मिलते ने तैं अमृत वेला क्यों गवा ले तू रात क्यों जाया कुछ मिलेगा बैटरी चार्ज होगी सिफत सलायन छड़ के करंगी लगा हंस करंगी कहते मांस खाना गंदगी खानी होवे हंस तेन ते मोती खाने चाहिए करंगी ए महाराज ने दो पंक्तियां वो फकीर नूं सरवंद कराई जो इन्हें कहा नहीं तुहाडे दासां दे सदके आ गए महाराज ने आप देश दिता सौ लामे दिने के राती मिलन सिफ सलैन छग करंगी लगा कहिंदा जी मैं समझिया नहीं बहुत हुण ध्यान नाल बचन सुनना हुण समाप्ति होण लगी महाराज मैं समझिया नहीं गुरु नानक साहब कहिंदे चौंकड़े मारे नमाजां पढ़ियां मन जोड़िया ए भी लिखिया साधना कीती चौंकड़े मारे नमाजा पढ़िया मन जोड़िया साधना कीती ये सब कुछ करना सी रब वास्ते पर कीता केदे वास्ते करा मातां वास्ते वो एक हंस खाने हीरे मोती ये सब कुछ करना सी परमेश्वर लई ते कीता केदे वास्ते मेरा मुसल्ला चले ते लोकी वाहवा कर आपको साधना कराई बड़ी बरीकी जे बाबे दी बस है लेके जाए फिर वेख जाओगे गुरु की देना चाहता एडे चौंकड़े एडिया साधना इन्हें मन इस वास्ते जोड़े क्योंकि मैं मुसल्ले दे उत्ते उड़ा ते लोकी वाहवा करा मातां लई रिद्धियां सिद्धियां लई आ शक्तियां लई जुड़ना ते सी किस वास्ते ओदी सिफत सलाह मिल जा रही ओदी कीर्ति मिल जावे ओदी कीर्ति दा आनंद मिल जावे तू ए सब कुछ कीता अपनी वडियाई लई अपनियां करामातां लई अपनियां रिद्धियां सिद्धियां लई ध्यान देना गुरु नानक साहब जी ने बहुत प्यारी गल कीती इत्थे कहिंदे इन्हां चीजां दे लई ए करना समझ लो एक हंस गंदगी खा रहा गंदगी ते महाराज ने एक वचन किया मैं बड़ा काम आया महाराज कहते जिनी तुसी बाणी पढ़ते हो कथा कीर्तन सुनते हो सिमरन बंदगी करते हो इस वास्ते करनी कि मेरा मन निर्मल हो जाए ते मैं नाम दे रस तक पहुंच जा मन निर्मल हो जाए ते नाम दा रस्सियां बन जावा करना ते इस वास्ते सी ते तू सब कुछ कीता करामातां लई रिद्धियां सिद्धियां मसले ते जावा ते वड्याई खटी करना सी मन निर्मल होके नाम दा रस्सिया बन गया जाया मेरे प्यार विच बोल रहे हैं तुसी वेख लियो किथे करके आ गया पहला हुंदा नाम दा रटना रटन तो भी पहले अवस्था है जिन्हां दे पोते कर्म माड़े होण उन्हां को रटिया भी नहीं जाता रटिया नहीं जाता गुरु नानक सुरती जी नहीं आता रसना दे बाणी आंदी नहीं शब्द आंदा ही कि कृपा होवे ते रटना
दूजा मैं महापुरुषों को सुनिया सी दूजा हुंदा जे गुरु किते रटदे रटदे कृपा कर दे ते नाम दा जपना जाप च लै जा गुरु किते तरस कर दे ते तीजा हुंदा जे नाम दा ध्याउणा आको साथ ते हो गया नामी ते नाम ते सिद्ध हो गया रटना जपना ध्याउणा बहुत वड्डी किते कृपा हो जाए ते ओ फिर ध्याउण तो बाद नाम दा रसिया बणदा आखो साथ नाम दे रस रसिया ते कोई विरला विरला रस च पहुंच ऐ ते इस तो एक अगे भी एक पौड़ी है वो मैं चलो सिर्फ बोल देना उहदा अपनी लाइफ नाल मकसद नहीं जेड़ा नाम दे रस तक पहुंच जाए ना हो सकता है ओदी जिंदगी एहो जा वेला भी आ जाए गुरु अपनी बख्शिश दे खाते चो उनू नाम दा दाता भी बना सकता रटना जपना ध्याउणा रसिया दाता जिहड़ी तुसी खागी सुणदे हो ना गनका वाली महापुरश अचान चक गनका वाड़े आए खलोता वो महापुरश उत्थे पहुंचे होया सी ओ वाला दाते तक नहीं तो गणका के भाव सौखे ने कि फड़के पाड़ रहे उन्होंने एक तोता ही देता इनू राम राम जपाई जा दाते सी रस तक उत्ते पहुंचे सी अपने कमाई चो अरदास करती सी किनका इनू ही दे के बिद बना दी है आपको साथ नहीं तो आप जिन्हें मर्जी तोते ले आईए बन जाएगी गल नहीं वो दाते तक पहुंचे सी देता विच किनका गुरु नानक साहब कहते मन जोड़ना चौंकड़े मारने नमाजा पढ़निया साधन करने इस वास्ते रिदिये सिद्धि करामातां ने मुसल्ले ते मैं उड़ा ते लोकी वाहवा कर नहीं ये सब कुछ इस वास्ते करना के मन निर्मल हो जे ते नाम दे रस तक पहुंच जावा आखो साथ रहा अजे साखी समाप्त नहीं हुई दो तीन मिनट इनू हुक्म नहीं बेनती उठे कोई ना भाई वीर सिंह ने लिखे ए दो पंक्तियां भी गुरु नानक ने उचारियां तो पहले ही ने पर ए दो पंक्तियां भी उन्हें सुनाइया उस फकीर नु सुनाइया तुसी जरूर सुनियो ध्यान नाल पढ़दे रहो जो तुसी चंगा नाम रखाए जस की लत जग ले चंगा नाम रखाए जस की लत जग ले चंगा नाम चंगा नाम रखाए जस की लत जग ले ਜਿਸ ਨਦਰ ਨਯਾ ਵਈ ਤਾ ਵਾਲ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਯਾ ਵਈ ਤਾ ਵਾਲ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਓ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਕੱਤੀ ਰਤ ਜਗਲੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਜਸ ਕੀ ਰਤ ਜਗ ਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ
सूरज प्रकाश भाई वीर सिंह इंटरनेट पर भी पढ़ो एदा जिक्र कहंदे उस फकीर दी होमे दी काई उतरनी शुरू हो गई। एक मार खा गया ओ की अजे भी उस वेले डिग के ए नहीं किया कि मैनू नाम दा रस दे दियो। होमे दी काई काफी उतर गई। कहंदे महाराज कहंदे सिमरन च लगा रह करामात नहीं विखाउणी होमे दी काई तो बच के रहना। जदों तुरन लगे तो कहंदा जी फिर रस महाराज कहंदे सानू कुछ समा होमे दी काई तो बच के विखा समा बनेगा एक बार फिर आवांगे तो रस झोली च पावांगे। हाय हाय ये लिखिया फिर लगा रहा दवाना हो गया। फिर बाबे नूं भी फिकर गुरु नानक महाराज कहंदे कुछ समय बाद अचल तो मुल्तान जा रहे थे उदों फिर रस की कृपा इहदे ते करके गए ओ मेहर जिहड़ी रस वाली इहदे ते उदों करके गए। कहंदे फिर ऐसा नाम दे रस च जुड़िया ते उथों दे शरीरां नूं नाम दे रस नाल जोड़िया। अज भी इस जगह ते गुरुद्वारा थड़ा साहिब जी आखो सतनाम ए बहावल दीन बहावलपुर विच अपना सिंध दे शहर विच ओ गुरुद्वारे दा नां है थड़ा साहिब ते खूह है जिन्हों कहिंदे गुरु नानक दा खूह। जदों अचल तों मुल्तान महाराज गए ने इनू जो रस बख्शिया जाके मेहर की रस की तुरन लगे कहंदा जी कोई निशानी दे जो हुण मैं रह नहीं सकदा ते तुहाडे बाबे नानक ने अपनिया खड़ावां इहदी झोली च पा दी। ये अज भी मौजूद है जी आखो सतनाम। महाराज ने अपनिया खड़ावां इहदी झोली च पातियां ये खड़ावां अज भी उत्थे मौजूद ने। लालच नहीं मुकिया कहिंदा गुरु नानक साहब कुछ होर कृपा कर दिओ इंटरनेट ते पढ़ लिओ सूरज प्रकाश भी भाई वीर सिंह होर कलमां तो भी कहिंदे महाराज के हाथ च पत्थर की माला सी पत्थर के मोतियां की गुरु नानक महाराज ने इस पीर की झोली च वह माला भी पा दी। यह भी मौजूद है गुरुद्वारा थड़ा साहब गुरु नानक का खूह वो खड़ावां का जोड़ा ते बाबे नानक दे मुबारक हत्थां दी पत्थर दी माला मंजूर है। भाई वीर सिंह जी ने इस बहावल दीन पीर का खीरला समा लिखिया है वैराग विच रहना रोंदे रहना इको गल कही जानी धन गुरु नानक धन गुरु नानक। हुण ए गल सुन के हैरान हो जाओगे चेले कहंदे पीर जी तुसीं रोंदे क्यों रहिंदे हो विराग एडा विराग च क्यों रहिंदे हो। कहण लगे ओ प्यारा रस ही इहो जिहा लगदा और सूरज प्रकाश लिखिआ वी जदों इहने शरीर छड्डिआ पीर ने गुरु नानक साहब दा ते इहदे शरीर छड्डण दा 40 दिनां दा फर्क है सारा आखो सतनाम। उहने 40 दिन पहले छड्डिआ गुरु नानक साहब ने 40 दिन बाद उन्हें चेले भेजे थे करतारपुर भी महाराज हुण कृपा करो तो गुरु नानक साहब कहने लगे तू अगे अगे असी पिछे कोई एडा प्यार है साडा प्यारा एडा सदक निभाउंदा ते इहदी खीरली अवस्था भाई वीर सिंह लिखी है वो मेरा दिल करदा तुसीं गा के पढ़ लो कि किहो जिहा दीवाना हो गया किहो जिहा इहनूं प्यार हो गया। वो पढ़ के समाप्ति है जी अज तक उथे जय जयकार वो प्यार भरिया लाइना सुनो प्यार ना जी खाद महा मैं नानक दा
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵਸਤਾ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਦਮਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਈ ਖਾਦਮਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਸਾਈ ਸਦਾ ਰਹਾਈ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸਾਈ ਸਦਾ ਰਹਾਈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੈਂ ਵਸਾਈ ਚਰਣਾ ਚ ਦੇਈ ਸਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਖਾਦਮਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾ ਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ